बेटा आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है भैया। क्यों? क्योंकि आज हम जिस कॉलेज के बारे में बेटा बात करने वाले हैं ना यार, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक शहर है, ठीक है। एंड इस कॉलेज से मेरे बहुत सारे दोस्त लोग पास आउट हुए हैं, दोस्त वर राइट नाउ वेल सेटल्ड इन देयर लाइफ, राइट। तो भैया कौन सी कॉलेज है यार, आज हम बात करने वाले हैं कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या फिर किट के बारे में। तुम सब लोग जानते हो, ठीक है, इस कॉलेज के बारे में। ये एक बहुत बढ़िया कॉलेज है यार, जो कि आते हैं ओडिशा या फिर भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। तो हम थोड़ा इसको इन डेप्थ रिव्यू करने वाले हैं। एंड मैं जितना भी यार चीज तुमको बोलने वाला हूँ यार, मेरा जो दोस्त लोग हैं बट वो कहाँ प्लेस्ड है, कहाँ जॉब कर रहे हैं, क्या पढ़ के रखे हैं, वो सारे चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं भैया कॉलेज के बारे में। तो हम देख सकते हैं कॉलेज यार फाउंड हुआ था 1992 में, ठीक है। एंड ये बेटा AICTE अप्रूव कॉलेज ऑब्वियसली है। इसका NIRF रैंकिंग बहुत बढ़िया है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज को लेके एक NIRF रैंकिंग जो होना चाहिए, ठीक, IIT या फिर कुछ NIRFs के ऊपर इसके NIRF रैंकिंग आते हैं, ठीक है। अच्छा, हम इस कॉलेज के अंदर सारे कोर्स है, ठीक है, सारे तुम्हारे यार लॉ है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, मीडिया साइंस है, BTech है, MBBS है, BDS है, ठीक है। यार मेरा तीन दोस्त था जो इस कॉलेज से पास आउट है, एक था फ्रॉम तुम्हारे BTech के IT फील्ड से, ठीक है, एक था लॉ के फील्ड से। मैं सारे चीज बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैं मेनली यार बात करने वाला हूँ BTech को लेके, बिकॉज अगर कोई और वीडियो तुम लोग चाहते हो उसके अंदर मैं बाकी कोर्स भी रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। देखो यार, पहला बात तो ये है कि यार कॉलेज यार एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में, ठीक है। द 1,00,000 acre का इसका यार जमीन है, मतलब बहुत बढ़िया कॉलेज, बहुत बड़ा, अपने बहुत बड़ा कैंपस। अगर तुम कभी जाओगे ना बेटे भुवनेश्वर के अंदर, तुम उसके अंदर जाके खो जाओगे, ट्रस्ट मी लिटरली, ठीक है। अच्छा, NIRF रैंकिंग भी इसका है, NAC अप्रूव्ड है, NBA भी इस कॉलेज के अंदर आते हैं, ठीक है। Tier 1 कैटेगरी के अंदर आते हैं, बिकॉज ये प्रीमियम कॉलेज है बेटा, इसका फीस थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली है। NIRF रैंकिंग के अंदर 16 आता है बेटा, 16, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड NIRF रैंकिंग होता है, ठीक है। यार इसका बहुत सारा रैंकिंग तुम देख सकते हो, मैं सारा रैंकिंग अगर लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मेनली आता है बेटा इसका एडमिशन प्रोसेस के अंदर एंड BTech के अंदर क्या क्या इसका ब्रांचेस, राइट। तो अगर हम देखते हैं बेटा, तो इसका ब्रांचेस तुम देख सकते हो, BTech के अंदर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, 60% तुमको नंबर लेके आनी है। एंड इसका एक अपना सा एग्जाम होता है जिसका नाम बोलते हैं किट, ठीक है, KIIT, ठीक है, या फिर किट KIIT EE। पहला पड़ाव या फिर फर्स्ट फेज का एग्जाम ऑलरेडी हो गया है, तुम लोग देख सकते हो राइट ना, मैं तुम्हारे सामने दिखा दूंगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आ गया है। इसका काउंसलिंग डेट चल रहा है 6 से लेकर 10 तारीख तक। तुमको यार डेट ऑफ प्रोविजनल ब्रांच अलॉटमेंट होने वाला है 13 तारीख को 2 बजे, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट 13 से लेकर 20 तक होगा। अगर बहुत सारे बच्चे जो इस कॉलेज का या जो एग्जाम था फर्स्ट फेज का अगर एग्जाम मिस कर गए हो, तो उसका सेकेंड फेज, इसका फेज टू जब तुम वीडियो देख रहे हो तब भी आने वाले हैं। अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है भाई कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट, तो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को इस कॉलेज के अंदर डायरेक्ट एडमिशन करवानी है तो ऑन दैट केस नीचे एक नंबर दिया गया, यू कैन कॉल मी, गूगल फॉर्म है उसको भी तुम भर सकते हो, ठीक है। तो हम तुमको यार गाइड करने वाले हैं इस कॉलेज के अंदर पूरा एडमिशन प्रोसेस के लिए, बिकॉज ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। देखो यार, तुम देख सकते हो जो लोग ऑलरेडी यार किट KIIT EE अगर पास कर गए हो, क्वालिफाई कर गए हो, तो फॉर दैट रीजन तुमको कुछ मेल आएगा, ठीक है। तुमको स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, स्कैन कॉपी ऑफ क्लास 12 मार्कशीट फॉर पास कैंडिडेट, SC ST OBC का रिजर्व कैटेगरी के लिए भी तुमको यार सर्टिफिकेट मिल देना पड़ेगा, एंड तुमको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट तुमको यार इसके अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। हम बात करते हैं, ये तो हो गया बेटा एक एडमिशन प्रोसेस, मतलब एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन होता है, राइट। तुम डायरेक्ट एडमिशन अगर करवाना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो, मैं तुमको गाइड कर दूंगा, ठीक है। कुछ कोर्स हम देख लेते हैं, बिकॉज हम आज सिर्फ और सिर्फ BTech रिव्यू कर रहे हैं। तो बेटा कलिंगा के अंदर बहुत सारे स्पेशलाइज ब्रांच होते हैं, जो शायद इंजीनियरिंग तुम सुने भी नहीं हो, वो तुमको इस कॉलेज के अंदर बेटा मिलने वाले हैं। यार मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है यार, तुम लोग देख सकते हो बेटा कंप्यूटर साइंस विथ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको बेटा EC तुम सुने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन आता है बेटा, अगर किसी को एयरोस्पेस लेकर जाना है तो ऑन दैट केस यार तुमको इधर आना पड़ेगा, ठीक है। ये इस कॉलेज के अंदर तुमको बेटा सिर्फ और सिर्फ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल रहा है, ठीक है। इसको छोड़ के बेटा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तो सब जगह में है, बट इसके अंदर मैकेनिकल के अंदर तुमको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी तुमको मिल रहा है इन दिस कॉलेज, ठीक है। इसके साथ बेटा हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं बेटा EC
इधर है ईसी को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। अच्छा और क्या क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, जो ब्रांच हम सब जगह देखते हैं, ठीक है। आईटी भी इसके अंदर है, कंप्यूटर साइंस भी इसके अंदर है, मतलब इतने सारे ब्रांचेस का ऑप्शन तुमको बेटा मिल रहा है, जो क्या तुमको कोई और कॉलेज में बेटा मिलने नहीं वाले हैं। गाइडेंस चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज, नंबर दिया गया है बेटा, इसको डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है, पूछ लो डाउट्स। अगर नंबर में कॉल करने में हेजिटेट फील कर रहे हो तो गूगल फॉर्म भरो, मैं डायरेक्टली तुमको बेटा एकदम अच्छे से गाइड के लिए हेल्प कर दूंगा, तुमको फ्री में काउंसलिंग हम करवा देंगे, ठीक है। हम कुछ चार्ज नहीं करते फॉर काउंसलिंग, पहला बात है। सो एवरीवन प्लीज नंबर बेटा नीचे जरूर डालना, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा आते हैं कि भैया क्या क्या प्लेसमेंट रेशियो है, क्योंकि प्लेसमेंट ही इंपॉर्टेंट है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देख के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। 90% इसका प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है। हर साल 450 प्लस कंपनीज कॉलेज के अंदर बेटा विजिट करते हैं। हाईएस्ट पैकेज अगर हम देखेंगे तो बेटा 633 LPA हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज से, मैं बोलूंगा मेरा जितने सारे दोस्त लोग हैं, दोस्त हैं पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज, बेटा सबको बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब मिला है, ठीक है। हम नाम उसका ले सकते हैं, एक का नाम है श्रेयोशी, वो पास आउट हुए हैं फ्रॉम दिस कॉलेज एज योर लॉ के लेके, वो भी यार बढ़िया बढ़िया जगह में है, प्लेस्ड है आज, ठीक है। सारा बच्चा बेटा प्लेस्ड है इस कॉलेज से, ठीक है। अच्छा नंबर ऑफ पेड इंटर्नशिप 1500 प्लस तुमको इंटर्नशिप मिल रहे वाले। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस विद ड्रीम कंपनी, 1100 से अधिक बच्चा ड्रीम कंपनी क्रैक किया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स का बेटा, तुमने ऑलरेडी देख पा रहे हो, बुक माई शो आ रहा है, इंफोसिस आ रहा है, ठीक है, मैकेंजी आ रहा है यार सबसे बढ़िया कंपनी है, कॉग्निजेंट आ रहा है, डेलॉयट डेल आ रहा है, यामा मोटर्स आ रहा है, एसेंचर आ रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा बात है सिर्फ और सिर्फ इधर आईटी कंपनी सिर्फ नहीं आ रहा है बेटा, आईटी कंपनीज के साथ साथ हम अदानी देख सकते हैं, अदानी आ रहा है जो कि एक नॉन टेक कंपनी है, ठीक है, कोर कंपनी है, मतलब कोर के बच्चे को भी प्लेसमेंट बहुत बढ़िया तरीके से बेटा के आई टी में मिलता है, ठीक है। डी शॉ आते हैं बेटा, सिस्को आते हैं, ठीक है, बजाज फाइनेंस आते हैं, सब कंपनी हेक्सावेयर से लेके कैपजेमिनी, डेलॉयट से लेके तुम्हारा यार बोलते हैं फिलिप्स, सारा कंपनी कॉलेज के अंदर बेटा विजिट करते हैं। ये तुम्हारा 2023 का कुछ स्टैटिस्टिक्स है, जो कंपनी विजिट किया मैं उसका ही तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है यार। अगर इसके बाद भी यार किसी का कोई डाउट है यार इस कॉलेज को लेकर, आई डोंट थिंक डाउट किसी का है, बिकॉज ये बहुत बढ़िया कॉलेज है, ठीक है। हाँ बट भैया फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे इस कॉलेज का, ठीक है, अगर तुम देखोगे बेटा तुम लोग देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस बेटा 2 लाख पर सेमिस्टर लगते हैं, ठीक है। बाकी तुम्हारे सामने एक लिस्ट है, इसको बेटा तुम लोग एक फोटो खींच लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारा कोर्स का डिफरेंट डिफरेंट फीस है, मेनली 2 लाख है फॉर योर सीएससी, आईटी, योर कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, या फिर कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सारा क्या 2 लाख करके फीस है। बाकी अगर तुम आने वाले हो केमिकल में या फिर तुम्हारे एरोस्पेस में, सबको 1,75,000 करके इसका एवरेज फीस है, ठीक है। अगर तुम आ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में तो 1,90,000 इसका फीस है, ठीक है। अगर डिटेल्स उनको और जानना है बेटा तो हमको कॉल कर सकते हो, नीचे गूगल फॉर्म भर सकते हो, मैं तुमको सैर से बात करवा दूंगा, डायरेक्टली एक काउंसलिंग करवा देंगे। बट इसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात है कि तुमको टॉप 1000 रैंक के अंदर अगर तुम आते हो बेटा KIIT के एग्जाम में, जो कि अपना उसका एग्जाम होता है KIIT EE, ऑन दैट केस यू विल गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। टॉप 100 बच्चे को बेटा स्कॉलरशिप मिलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। इसको छोड़ के बेटा मैं तुमको और एक बढ़िया चीज दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि यार किट टॉप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के साथ साथ यार यू कैन सी राइट नाउ इतने सारे तुमको स्कीम्स मिलता है, इतने सारे तुमको स्कॉलरशिप का स्कीम तुमको मिलते हैं इफ यू आर इन KIIT। देखो यार इतने सारे स्कॉलरशिप का स्कीम तुमको मिलता है अगर तुम KIIT से बेटा पास आउट हो रहे हो या फिर तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इतने सारे 24 तुमको यार मिल रहा है बेटा, इतना ऑफर करता है KIIT तुमको यार स्कॉलरशिप। तो फीस भले ही थोड़ा ज्यादा है यार, 16 लाख के ऊपर है, 17 लाख है, ठीक है, बट यार जॉब भी यार बढ़िया मिलता है एंड स्कॉलरशिप के माध्यम से तुमको यार बहुत कम में यार बहुत बढ़िया तुमको पैकेज मिलने वाले हैं फ्रॉम दिस कॉलेज, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव था, कोई डाउट है कॉल कर सकते हो, गूगल फॉर्म भर सकते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो लोग वेब जी के बाद वीडियो को देख रहे हो तो बेटा प्लीज कोई भी डाउट है यार कॉल करके डायरेक्टली सुलझा लेना, ठीक है। तब तक के चलते हैं, सी या हैव अ वेरी गुड टाइम। नेक्स्ट वीडियो कौन सी कॉलेज के ऊपर तुम लोग चाहते हो बताना मेरे को जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा उस कॉलेज का रिव्यू तुम्हारे सामने लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव वेरी गुड टाइम, गुड बाय, गुड नाइट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।